तो गाइज हम सब जा रहे हैं अभी जो कि गोल्डन टेम्पल एंड जलियांवाला बाग घूमने के लिए। गाइज हम सब अभी अमृतसर जंक्शन जो है कि पहुंच चुके हैं। टोटो मिल जाएगा या जलियांवाला गेट को एंटर कर चुके हैं आप सब। जैसा गाइज अभी अंदर जा रहे हैं, हमने खरीद लिया क्योंकि सामने में जलियांवाला बाग बागा बॉर्डर जो है कि यहाँ से गोल्डन टेम्पल है। यहाँ से दिखा रहा हूँ बाग का एंट्री गेट है जो की काफी ज्यादा भीड़ है। गैलरी 2 में लेकर जाएंगे जो की लाइट शो चल रहा है। काफी उनसे कुआं भर चुका था, जिंदा बचे थे। गोली चलाया गया निशान अभी तक पिरामिड के नजदीक, वहाँ पर भी गोली चला हुआ था, गोली चली हुई थी। तो भाई हम सब जा रहे हैं अभी जो है गोल्डन टेम्पल एंड जलियांवाला बाग घूमने के लिए। तो अभी अमृतसर पहुँचने वाले हैं। गाइज हम सब अभी अमृतसर जंक्शन जो है कि पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से पहले जलियांवाला बाग जाएंगे, उसके बाद जो है कि हम गोल्डन टेम्पल के लिए निकलेंगे। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर ऑटो लेना पड़ेगा जलियांवाला बाग के लिए, तो उसके बाद हम ऑटो लेके आपको फिर दिखाते हैं कि कहाँ जाना। तो गाइज यहाँ से रेलवे स्टेशन के जस्ट गेट के बाहर में आपको टोटो मिल जाएगा या ऑटो, यहाँ से आपको 20 रुपया लगेंगे जो कि गोल्डन टेम्पल तक छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं ये स्टेशन के बाहर का व्यू है। आपको इस तरफ जाना है, जस्ट जैसे आप निकलेंगे स्टेशन से उसके राइट। तो फाइनली गाइज हम सब जो है कि जलियांवाला गेट को एंटर कर चुके हैं। आप सब देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है कि एंट्री गेट अंदर में है, मेन गेट मैंने एंट्री कर लिया। सो अभी हम जा रहे हैं अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। तो हम सब गाइज अभी अंदर जा रहे हैं। मिलता था जो कि हमने खरीद लिया क्योंकि सामने में गोल्डन टेम्पल है, वहाँ पर जो कि रुमाल बांध कर ही जाया जाता है अंदर, इसीलिए जो कि मैंने यहाँ पर सामने बाहर में बिक रहा था रुमाल, जो कि मैंने परचेस कर लिया। अब जो है कि हम सब डायरेक्ट जो है कि पहले जलियांवाला बाग एंटर करेंगे, उसके बाद जो है कि गोल्डन टेम्पल जाएंगे। सामने में जलियांवाला बाग जो कि हम काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं। एंड आज जो है कि संडे है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा वहाँ पर, एंड आज टेम्पल में भी भीड़ होगा बहुत ज़्यादा। एंड यहाँ पर जो है कि आपको बाघा बॉर्डर जो है कि यहाँ से बस जाने के लिए बस जो है कि और टोटो ऑटो एंड स्कॉर्पियो का भी साधन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। बस जो कि यहाँ से आप जो कि बाघा बॉर्डर के लिए भी जा सकते हैं, जो कि हम सब के पास अगर टाइम बचा तो हम बाघा बॉर्डर भी निकलेंगे। फिलहाल अभी हम यहाँ पर जलियांवाला बाग को एंटर करेंगे। तो गाइस ये जो है कि जलियांवाला बाग के गेट के सामने जस्ट व्हाइट जो है कि यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है और आप देख सकते हैं जस्ट इस जलियांवाला बाग के गेट के सामने वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है। आप देख सकते हैं, आपको मैं जूम करके यहाँ से दिखा रहा हूँ। पहले जलियांवाला बाग जाने के बाद हम वहाँ गोल्डन टेम्पल जाएंगे गाइस। तो गाइस ये रहा एंट्री गेट जो है कि जलियांवाला बाग का एंट्री गेट है। एंड आप देख सकते हैं एंट्री गेट पर ही काफ़ी सारे जो है कि यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है। एंड ये जो कि इस गेट से रिलेटेड है, ये जो है कि इस बाग से रिलेटेड है, उन्हीं सब का ये प्रतिमा बना हुआ है। एंड हम सब अभी धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं जो है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हैं। सो अभी हम सब जो है कि अंदर की ओर जा रहे हैं जो कि जलियांवाला बाग में एंटर कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा अभी भीड़ है क्योंकि आज जो है कि संडे एंड सैटरडे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है। हम लोग एंटर कर चुके हैं गाइस, अभी हम आपको यहाँ पर कुछ दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो कि इन बाग से रिलेटेड जो भी था वो सब यहाँ पर दिया हुआ है जो कि हम आपको शो करवा रहे हैं। ये जो कि गैलरी 1 हॉल 1 है एंड हॉल 2 में भी हम आपको लेकर जाएंगे अभी। ये जो कि गैलरी 1 हॉल 1 है तो हम अब आपको जो कि गैलरी 2 में लेकर जाएंगे जो कि बाहर की है। तो अब हम गैलरी 2 में जा रहे हैं। ये हॉल नंबर 2 है जो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। एंड अब हम आपको एंटर करके दिखाते हैं कि आखिर है यहाँ क्या। अमृत
लोग आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपको हम बैक कैमरा से दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से देखे। यहाँ पर गाइस लाइट शो होता है जो कि शाम होने पर जो है कि वहाँ पर लाइट शो चल रहा है, काफी अच्छे से समझ में आता और दिखता, बट फिर भी जो है कि दिन होने की वजह से यहाँ पर उतनी क्लियर नहीं आ पा रही है। यहाँ पर जैसे घटना घटी हुई थी वो सारी वहाँ पर स्क्रीन पर शो होता है। वहाँ पर जा रहे हैं गाइस, वो जलियांवाला बाग का जो कुआं है उस तरफ अभी हम सब जा रहे हैं। ये मैदान है जहाँ पर कि लोग सभी मीटिंग कर रहे थे एंड 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर अंग्रेज के द्वारा जो है कि उन सभी पर नियतों पर जो कि गोली चलाया गया था। कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूद गए लेकिन सभी लोग शहीद हो चुके थे और यह कुआं जो है कि खून से पूरा भर गया था, इसीलिए इस कुएं को शहीद कुएं के नाम से जाना जाता है। दिख नहीं रहा है तो धूप के वजह से नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से आपको शायद दिख जाए। कुआं है जिनमें कि काफ़ी लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद पड़े थे बट कोई भी नहीं इसमें जिंदा बचे थे। और अभी जो है कि लाइट के वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर मिरर लगाया हुआ है जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है जिसके वजह से आपको शो नहीं हो पा रहा है एंड हम सबको भी जो है कि दिख नहीं रहा है, बट आप अगर यदि आँख पूरा इसमें नज़दीक से सटाएंगे तो यह जो है कि नीचे दिख रहा है। गाइस वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर कि अभी भी उन अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई गोलियों के निशान है, हम आपको वहाँ पर जाकर दिखाते हैं। तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं गाइस, आप देख सकते हैं गाइस वो जो वाइट कलर का स्क्वायर किया गया है वो सब जो है कि उस टाइम का जो है कि गोली चलाया गया निशान अभी तक है, आप देख सकते हैं। अभी एक और यहाँ पर गैलरी है जो कि इसमें एंट्री कर रहे हैं, आप देखते हैं इसके अंदर में क्या है। थर्ड का एग्जिट है यहाँ पर, शोज चल रहे हैं इसके रिलेटेड, अब जो है कि हम सब इस गैलरी से बाहर निकलने वाले हैं क्योंकि आपको शौचालय का भी व्यवस्था मिलता है एंड इधर आप जो है कि पानी पी सकते हैं आके इस साइड में एंड आप देख सकते हैं जस्ट गेट के अपोजिट में आपको ये सब सुविधा भी मिल रही है। एंड गाइज मैंने आपको वहाँ पर दिखाई कि वहाँ पर गोली चली थी, वहाँ पर दीवारों पे था गोली का निशान एंड दूसरी साइड इधर भी गोली चली हुई थी जो कि यहाँ पर भी निशान है, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर जितना लाइनिंग किया हुआ स्क्वायर वाला वो सारे एंड वह सब जो है कि यहाँ पर गोली का निशान है जो कि चलाया गया था उस टाइम, आप देख सकते हैं। तो हम सब इस पिरामिड के नज़दीक पहुँच रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में जो दिया गया है इस बाग में, यहाँ पर छोटी सी तालाब है जिसमें कि आप देख सकते हैं मछलियाँ भी है, आप देख सकते हैं मछलियाँ भी अंदर में तैर रही है। मैंने जो आपको दिखा है कि वहाँ पर कस्टम गोली चला हुआ था जिसका निशान था हम सब कहना, जो कि यहाँ पर इस दीवार में आपको मैंने दिखाया क्योंकि यहाँ पर भी गोली चला हुआ था एंड जो कि यहाँ पर जो कुआँ है जिसमें कि लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे बट उनकी जान नहीं बच पाई, वो कुआँ मैंने आपको दिखाया ही, तो वो कुआँ वहाँ पर है, आप देख सकते हैं वो कुआँ। यहाँ पर भी गोली चली थी जिसका निशान स्क्वायर किया गया है जो कि निशान दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में भी ये सारी जो है कि स्क्वायर किया गया वाइट से वो सारी गोलियों के निशान है। जलियांवाला बाग को कवर कर लिया, अब हम सब जो कि एग्जिट हो रहे हैं एंड गोल्डन टेंपल की ओर जा रहे हैं, सो वो जो है कि आपको पार्ट टू में देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।